चलिए दोस्तों, इस मैथ को सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को दिया गया है ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू फोर ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वन बाई ए इज इक्वल टू फोर। देखिए, ए से ए के साथ ये मल्टीपल होगा तो ए स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा और ए इधर चला जाएगा तो फोर ए। तो इसको लिख सकते हैं, अगर इससे हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर में जाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके माइनस टू, चार का स्क्वायर करके माइनस टू। तो कितना आया, चार स्क्वायर सोलह और दो चौदह। अब एग्ज़ाम में क्या पूछा है, देखिए हम लोगों को इसका वैल्यू मिल गया वन प्लस वन बाई ए और ए स्क्वायर वन बाई ए स्क्वायर का वैल्यू, दोनों का वैल्यू मिल गया, एक का वैल्यू मिला चार, दूसरे का वैल्यू मिला चौदह। अब देखिए एग्ज़ाम में पूछा है ए स्क्वायर प्लस ए वन बाई ए स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू तो हम लोगों को पता है और इसका भी वैल्यू पता है, दो पार्ट है। तो पहला वैल्यू ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू कितना है, चार, और दूसरा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, चौदह। तो इसका सही जवाब कितना आएगा, 18, जो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।